सीनियर सिंधी प्रजापति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद की उपाध्यक्ष आज मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज मिशन सुरक्षा परिषद एक अहम प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में जहाँ समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात थी, जिस पर समाजवादी पार्टी से उनकी बात नहीं बनी, जिसको लेकर उन्होंने आज विरोध भी जताया। 16 बिंदुओं पर प्रेस वार्ता हुई, जिस पर उन्होंने अपनी मांगे रखी और मांग पत्र को जो मांग है उनकी, जो भी पार्टी उसको घोषणा पत्र में रखेगी उसके साथ मिशन सुरक्षा परिषद जाने वाला था। वही इन सब घोषणा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अम्बेडकर की बातों के बाद इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ इनकी महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील प्रजापति है, जानते हैं आखिर क्या कारण है इस्तीफा देने का। मैडम, क्या परिचय है आपका, संगठन में किस पद पे थी, क्यों इस्तीफा दे रही? मैं इंजीनियर सुनील प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, और मेरा मानना है कि हमारा जो संगठन था लोहियावादी विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा को लेकर चल रहा था, और उस नाते अभी जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी का वो साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसका विरोध करती हूँ। क्योंकि मैं भी खुद एक आवेदक हूँ बगैर विधानसभा से और समाजवादी पार्टी से, और मुझे अखिलेश भैया के विचारों को और लोहियावादी विचारधारा को आगे ले जाना है, क्योंकि 2022 के चुनाव में हमें अभी इस समय की जो कंडीशन है, इस समय हमें अपने संविधान को बचाना है जिससे हमारा देश बचेगा, और हमें बाबा साहब और लोहियावादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए 2022 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें अखिलेश भैया के खाते में आने, ताकि उनको भावी यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इस नाते मैं अभी जो भी आप लोगों के सामने आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देती हूँ। इसमें जी क्या लगता है, बीजेपी के साथ जाने की बात भी कह रहे थे कि अगर उनकी मांगों को माना गया और बीजेपी ने घोषणा पत्र में उनको शामिल किया तो वो उनके साथ जाएंगे, तो क्या लगता है बीजेपी के साथ जाना उनका कहा किस हद तक सही है? लेकिन मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, पर मैं हाँ ये कह सकती हूँ कि हमारा जो मिशन सुरक्षा परिषद का जो मूलभूत आधार था ये था कि हमें अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, और अम्बेडकरवादी विचारधारा के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो कहीं मुझे सही नहीं लग रहा है कि इस समय का जो डिसीजन उनका है वो सही है। अगर इस समय अगर अखिलेश भैया से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही थी तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, और हकीकत मानी कि कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष भी सही निकलता, पर इतनी जल्दी इतनी कम समय में इस तरह का डिसीजन लेना मेरे हिसाब से तो गलत है। तो क्या लगता है लोहियावाद जो अम्बेडकरवादी विचारधारा की बात की जा रही है, सपा उसको फॉलो कर रही है, उस पर खरा उतर पा रही है? हाँ, क्यों नहीं, देखिए अम्बेडकरवादी विचारधारा यही था कि हमारे दबे कुछ पिछड़े वर्ग और जो हमारे एससी और एसटी के लोग हैं उनका सही मतलब अधिकार दिया जाए, और उनके अधिकारों से जो वंचित लोग हैं जिस समय की सरकार में है उनको सही जगह से 2022 की बात सरकार बने तो उनको न्याय दिया जाएगा। उस न्याय के उद्देश्य से हमारा 2021 के समय जो हमारा हमारे अखिलेश भैया के साथ में जो गठबंधन की बात हुई थी कि मिशन सुरक्षा परिषद और समाजवादी पार्टी में अम्बेडकरवादी विचारधारा और लोही विचारधारा को लेकर साथ में चलेंगे, उसी विचारधारा को लेकर हम लोगों ने अपने क्षेत्र में प्रचार भी किया, और बबेरू विधानसभा के आवेदक के रूप में मैं लोगों को ये बताती रही कि इस समय हमें संविधान और देश को बचाना है, और इस समय हम लोग को सबको एक होना पड़ेगा। यहाँ पे घर की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है, और देश की लड़ाई जब होती है तो सब भाई भाई एक हो जाते हैं, और उसी विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हुए इस समय मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय हमें कुछ भी हो पर अखिलेश भैया का साथ देना है, और उससे आते मैं मिशन सुरक्षा परिषद के विचारों से सहमत नहीं हूँ। सिमी जी, आखिरी सवाल है, बबेरू बांदा से दावेदार है, सपा ने टिकट नहीं दिया तो किस तरह का रुख रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का टिकट न देना और देना ये भी मेरे उसमें नहीं है, और ना ही अभी तक वहां तक पहुंच पाई हूँ। अखिलेश भैया के सामने मेरी अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं हुई है कि मुझे नहीं देंगे, पर हाँ ये विश्वास है कि मैं अगर वहां से दावेदारी करती हूँ प्रत्याशी के रूप में, तो मेरे साथ वहाँ का एससी वोट बैंक बहुत ज्यादा है जो मेरा समर्थन करेगा, और एससी वोट बैंक का जो कंपनसेशन रहे वो मेरे लिए वहाँ पे लाभदायक है। वहाँ से यादव प्रत्याशी भी तो है जो पूर्व में विधायक भी रहे, किस तरह से उनको टक्कर देंगे आप? देखिए, जो पूर्व विधायक रहे हैं उनका 2 बार का जो विधानसभा चुनाव जीता हुआ है वो उनका वोट डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहा, 150 वोट से था, 1 बार 1200 वोट से था, और अभी की जो नई मतदाता सूची आई उस मतदाता सूची के हिसाब से अगर हम आकलन लगाए तो 3000 वोट हमारे वहाँ काटे जा चुके हैं, और जो कि समाजवादी पार्टी के खाते के थे, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि अगर किसी मतलब कंपनसेशन को वहाँ पे नहीं किया गया तो सीट निकालने में दिक्कत हो सकती है, और यदि किसी गैर यादव बिरादरी को टिकट दी जाएगी और वहाँ पे ये कंपनसेशन फुलफिल हो जाएगा। चलिए चलिए।
तो 16 बिंदुओं पर प्रेस वार्ता थी, जिससे कहीं ना कहीं मिशन सुरक्षा परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमी प्रजापति नाराज थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ रही है, बबेरू विधानसभा से वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के रूप में उभरेंगी, दावेदारी पेश की है। और उन्होंने समीकरण की बात भी कही कि बांदा के बबेरू विधानसभा का किस तरह का समीकरण बन रहा, देखने की बात है। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है मिशन सुरक्षा परिषद में, आखिर अभी कितने इस्तीफे होंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं